तो आज हम लोग आ गए हैं इंडिया के सबसे फेवरेट स्कूटर के पास, यानी कि आज हम लोग आ गए होंडा के घर में। अब होंडा ने अपने दो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, जिसमें से पहली आपकी हो जाती है होंडा की CB 300F, जो कि आपके बिग विंग में अवेलेबल है। उसी के साथ साथ आपके डियो का नया वेरिएंट भी आ जाता है। तो फाइनली हम लोग आ गए होंडा के शोरूम में, और होंडा के शोरूम में आपकी जितनी भी स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स जो भी बिकती हैं, उन सभी के बारे में आज हम लोग बढ़िया से बात करेंगे। उनके स्पेसिफिकेशन जानेंगे, उनके फीचर्स जानेंगे, उनकी EMI जानेंगे, जस्ट इन केस अगर आप लोगों को कोई भी मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर आपको फाइनेंस करानी हो। तो जस्ट इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जाकर के उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो अलॉन्ग विद मी दैट इज साम सिद्दीकी, और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम बॉस। तो फेस्टिव सीजन चल रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर आपको कोई ऑफर भी मिलने वाला है, ये सब हमें बताने वाले हैं नवजोत जी। नवजोत जी कैसे हैं आप? सब एकदम बढ़िया। थोड़ा सा हम लोग एनर्जी से बोलेंगे ताकि आवाज़ इन लोग तक पहुँचे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। तो अब नवजोत जी, हम लोग यहाँ पर आ गए, हम लोग जितनी भी होंडा में हमारी स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स बिकती है, उन सबके स्पेसिफिकेशन, फीचर, प्राइसिंग के साथ साथ हम इनको बताएंगे, फाइनेंस फैसिलिटी और जो ऑफर यहाँ पर अभी रक्षाबंधन या फिर जितनी भी चीज़ों के अवेलेबल है वो सब इन लोगों को बताते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारे इंडिया की सबसे फेवरेट स्कूटर, जो कि हमारी होंडा एक्टिवा से। अब एक्टिवा के बारे में सर आप मुझे बताइए। होंडा एक्टिवा जो है 110 सीसी का इसका इंजन है। हाँ जी। 5.84 इसकी BHP है और इसकी 8.84 टॉर्क है। ओके। 110 सीसी का इंजन है, सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है। ओके। वेरिएंट इसमें सिर्फ दो आते हैं, एक स्टैंडर्ड में हैलोजन लाइट मिलेगी आपको, ठीक है, और एक आता है डिलक्स के अंदर LED लाइट मिलेगी। उसके अलावा कोई फर्क नहीं है। ब्रेक वगैरह का भी कोई फर्क नहीं है, किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं है। तो हमें होंडा 6G में जो है वो डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है? नहीं, होंडा 6G में डिस्क ब्रेक नहीं आता, अलॉय व्हील्स नहीं आते, ठीक है, नॉर्मल डिजिटल मीटर भी नहीं आता। अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में हमें क्या क्या मिल जाता है इसमें सर? फीचर्स के अंदर सर इसके अंदर आपको तो टेलीस्कोपिक शॉक कर रहा है, ठीक है, पहले हाइड्रोलिक आते थे, ठीक है, ये कंफर्ट होते हैं। ओके। कंफर्ट होते हैं जो बाइक्स में यूज होते हैं, ठीक है सर। टेलीस्कोपिक शॉक करा गए, अब इन्होंने क्या करा कंपनी ने, पेट्रोल टैंक पीछे कर दिया। अच्छा, एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप मिल गया हमें, ठीक है, उतरने की जरूरत नहीं है, उतरने की जरूरत नहीं, डबल लीड हो गया, ठीक है। आपका लेग स्पेस बढ़ाया है, थोड़ा बढ़ाया है, पहले से बढ़ाया है, ठीक है। उसके अंदर वन टच की दे दी आपको सब, इसी के अंदर आपका फ्यूल का, सीट का, 5 फंक्शन है इसी एक ही कप की के अंदर। ओके, ठीक है, ठीक है। ये कलर 6 कलर्स के अंदर अवेलेबल है, 6 कलर में अवेलेबल। कलर के हिसाब से प्राइसिंग में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं सर। ये कहाँ से शुरू होती है और इसका स्टैंडर्ड और ऊपर वाला वेरिएंट कहाँ तक के जाता है? स्टैंडर्ड जो है आपका ऑन रोड प्राइस है 84,282 रुपीज का, ठीक है, और डिलक्स वाले का है 86,466, यानी 2,000 रुपए का फर्क हो जाता है, जिसमें आपको हैलोजन और LED लाइट मिलती है। बाकी 6 कलर्स में आपकी स्कूटर यहाँ पर अवेलेबल है। होंडा एक्टिवा जो है वो होंडा के अंदर ही एक अपना अलग से ब्रांड बना चुका है, इतनी ज्यादा फेमस स्कूटर है, बिकॉज जहाँ बाकी लोग प्लास्टिक और फाइबर प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी पूरी लोहा बॉडी हो जाती है, होंडा का रिफाइंड इंजन मिल जाता है। फ्यूल एफिशिएंसी कितनी रहती है सर इसकी? सर 5.3 लीटर 5.3 लीटर का तो इसका फ्यूल टैंक है। ये एवरेज कितनी प्रोवाइड करती है? 60 क्लेम करती है, 60 कंपनी क्लेम करती है, बट अगर आप लोकल में ड्राइव करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अगर लाजपत नगर में ही स्कूटर चलाना है, बाहर निकलना ही नहीं है, तो फिर 40-45 तक देती है, 40-45 तक का अगर आप लोकल में ही चलते हैं तो, अदरवाइज 60 है। उसके बाद में हमें इसमें ट्यूबलेस टायर मिलते हैं सर ट्यूबलेस टायर होंडा की सभी गाड़ियों में। ये एक्टिवा की हमारी पहली स्कूटर होती है। उसके बाद में अगर एक्टिवा में ही आपको थोड़ा सा ज्यादा पावर चाहिए और थोड़ी सी और भी ज्यादा फीचर्स चाहिए, तो फिर हमारी आ जाती है एक्टिवा की 125। अब अगर आप विजुअली देखो तो ये स्कूटर जो है आपको थोड़ी सी ज्यादा बड़ी लगेगी। एक तो इसमें हमें 125 सीसी का इंजन मिल जाता है, 125 सीसी। उसके बाद में इसमें हमें तीन वेरिएंट आते हैं, इसमें तीन वेरिएंट बताइए सर। इसके अंदर सर एक जो अभी आप जिस देख रहे हैं जो वो है ड्रम ब्रेक में, ठीक है, बेस मॉडल है। ओके, ठीक है। बेस मॉडल में क्या होता है, आपको ड्रम मिलता है, आपको लाइट, आपको हैलोजन मिलती है, ठीक है, डिजिटल मीटर नहीं आता, एनालॉग मीटर आता है, ठीक है, एंड कंपनी के साथ साइड स्टैंड सेंसर वाला साथ नहीं आता, ऑप्शनल है, ठीक है, आप चाहें तो वो लगवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इससे ऊपर चलते हैं तो एक आता है एक्टिवा 125 अलॉय व्हील्स के अंदर, अलॉय व्हील के अंदर, ठीक है। अलॉय व्हील्स के अंदर आपको एक तो अलॉय व्हील्स मिलेंगे, ठीक है, LED आपको डिजिटल मिलेगी। अच्छा, ये LED मिल गई, हाँ, आपको LED मिल गई, ठीक है, डिजिटल मीटर मिलेगा, ठीक है,
और साइड स्टैंड सेंसर वाला भी कंपनी से आएगा, साइड स्टैंड सेंसर भी हमें मिल जाता है। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर वाले वेरिएंट में जाएं, इसके ऊपर में भी सर डिस्क ब्रेक में आता है, ठीक है, उसमें अलॉय व्हील्स विद डिस्क ब्रेक होगा, ठीक है, और एक फंक्शन आपको एक्स्ट्रा आइडियल स्विच दे दिया होता है, ओके, जो कि आप रेड लाइट पे या किसी ट्रैफिक जैम में खड़े हैं तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक 3 सेकंड के अंदर बंद हो जाएगी, 3 सेकंड के अंदर आपकी बंद हो जाएगी, इससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी और भी ज्यादा बेटर होती है। अगर हम लोग एक्टिवा 125 वेरिएंट के बारे में बात करें तो ये मोटरसाइकिल स्कूटर कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक के जाती है सर, कौन से वेरिएंट के कितने प्राइस है? सर ये 88,000 से स्टार्ट होती है, 88,237 से स्टार्ट होती है और 9667 तक जाती है, 9667 तक के जाती है डिस्क ब्रेक, ऑन रोड की प्राइसिंग बता रहे, ठीक है। एवरेज जो है सर इसका कितना रहता है? सर एवरेज 53 क्लेम करती है कंपनी, 53 क्लेम करती है, तो अराउंड तक आती है वैसे नॉर्मल। तो अब हम लोग फाइनली बात करते हैं होंडा की CB200X की, जिसका रिस्पांस जो है वो काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है। ये जो मोटरसाइकिल है ये देखने में काफी ज्यादा बड़ी लगती है, लेकिन है जो है आपकी 200 सीसी की। उसके अलावा जिस तरह से मोटरसाइकिल बनी है, इसका रोड प्रेजेंस जो है वो काफी अच्छा है। 200 सीसी की मोटरसाइकिल होने के बाद भी मोटरसाइकिल लाइट वेट आपके करीब 150 किलो के आसपास की हो जाती है। उसके बाद में इसको मैनूवर करना इजी है, इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी जो है वो डिजिटल मिला जा रहा है। उसके बाद में नकल गार्ड्स आपको कंपनी की तरफ से आते हैं, ये वाइजर आपको कंपनी की तरफ से आता है। फ्यूल टैंक इसका कितने का सर? 12 लीटर का फ्यूल टैंक है। फ्यूल एफिशिएंसी कितनी प्रोवाइड करती है? फ्यूल एफिशिएंसी 45 185 सीसी का इंजन है। काफी अच्छी मोटरसाइकिल हो जाती है अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग टूरिंग करने के पर्पस से, ऑन रोड ऑफ रोड दोनों के लिए कोई बाइक चाहिए तो। ऑफ रोड के लिए बहुत ज्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग आप इसमें नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें जो है आपको अलॉय व्हील मिलते हैं, स्पोक व्हील नहीं मिलते हैं, बट अगर आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें होंडा CB200X की, तो इसके सर कितने वेरिएंट्स आते हैं, उसकी प्राइसिंग क्या है? एक ही आता है सर, एक वेरिएंट आता है, टोटल एलईडीज हैं, चाहे आपकी टेल लाइट हो, चाहे आपका इंडिकेटर्स हो, चाहे आपका और एलईडी लाइट। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है सर? नहीं सर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। अगर हम इसके कलर्स की बात करें, कितने कलर्स में आती है सर? 3 कलर आते हैं। कौन कौन से सर? ब्लैक कलर आता है, ग्रे कलर आता है, रेड कलर आता है। ब्लैक, ग्रे, रेड। अब ये मोटरसाइकिल की प्राइस क्या है सर ऑन रोड यहाँ पर? इसकी प्राइस आती है सर 1.74 लाख रुपीज ऑन रोड। ये यहाँ पर आपकी प्राइसिंग है लाजपत नगर मालवा होंडा पे, आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं हमारी अगली स्कूटर पे या फिर मोटरसाइकिल पे। सबसे पहले यहाँ पर खड़ी है डियो, आइए डियो की बात करते हैं। अब डियो जो है काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और अच्छी स्कूटर है, गुड लुकिंग स्कूटर है। जैसे कि अब डियो का भी एक नया वेरिएंट भी लॉन्च हुआ है ना, हाँ, सर, उसमें हमें क्या क्या मिल जाता है? उसमें फुली डिजिटल मीटर आएगा, इसमें हमें एनालॉग मिल रहा है, एनालॉग, ठीक है, उसमें डिजिटल मिलता है, अलॉय व्हील्स भी आएंगे, ओके, कलरफुल अलॉय व्हील्स है उसमें, ठीक है। और उसके अलावा क्या चेंजेस है सर? बाकी इंजन स्पेसिफिकेशन सेम है, बॉडी लुक सेम है, ठीक है। तो सर इसमें हमें क्या कुछ कलर्स वगैरह भी नए आते हैं? हाँ, कलर्स भी नए आ रहे हैं सर, ठीक है। तो वो उसको पता करने के लिए इनका नंबर जो है वो मैं पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इनका नंबर उठा करके उसके बाद में इनसे पूछ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आकर के टेस्ट ड्राइव वगैरह जो है वो ले सकते हैं। और अगर हम डियो की बात करें तो सर ये हमारी कितनी प्राइस करती है, क्या कॉस्ट करती है? डियो जो करती है हमारी 82,000 रुपीज, ठीक है, 82,000 रुपीज की हमारी डी हो जाती है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास पीछे दो गाड़ी खड़ी, लेकिन इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं कम्यूटर सेक्शन पे। अब कम्यूटर सेक्शन पे हम आ जाते हैं तो फिर हमारे पास खड़ी हुई है होंडा की CD110 डीलक्स, ठीक है। अब ये जो है ये सर इसकी गद्दी से ही मुझे देख करके लग रहा है कि ये सीट लेंथ अच्छी है इसकी, बहुत अच्छी सीट लेंथ है। उसके बाद में इसका एवरेज कितना है, क्योंकि सर ये तो एवरेज वाली गाड़ी है, ये हमें कितने वेरिएंट्स में आती है, कितने कलर्स में? एक ही वेरिएंट्स में आती है, कलर 4 आते हैं। तो हमें फीचर वाइज क्या क्या मिल जाता है सर? साइलेंट स्टार्ट है, ठीक है, साइलेंट स्टार्ट, एक बार स्टार्ट भी करते हैं, आइए, एकदम पता ही नहीं चला कब स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद में एवरेज जो है आपको 60 का प्रोवाइड कर रही है, एनालॉग डिजिटल एनालॉग मीटर मिल जाता है हमें। उसके अलावा आरपीएम वाला हमें कुछ मिलता नहीं, फ्यूल एफिशिएंसी हमें राइट साइड मिल जाती है। उसके बाद में इंडिकेटर्स है, नॉर्मल पास बटन है और आपका हॉर्न है। फ्यूल टैंक इसका कितने लीटर का सर? 11 लीटर का टैंक है, 60 की एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। तो करीब आपकी कितनी चल गई गाड़ी भाई सर? 50 लीटर में करीब 600 ऊपर पार कर गई सर, है ना? एक्चुअली क्या है कि मोस्टली कम सीसी की गाड़ी है, हाँ। जितने भी फील्ड में जॉब करने वाले लड़के होते हैं वो इसी को ही प्रेफरेंस करते हैं, ठीक है। तो आप 660 किलोमीटर पर एक फुल टैंक अगर करा लोगे 11 लीटर का, तो करीब 660 हरिद्वार आना जाना ही के बार में, हरिद्वार एक बार में आप चले जाओगे वापस आ जाओगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है ये पीछे ये मिलता है, उसके बाद में पीछे यहाँ पर हमें जो है वो ग्रैब रेल मिल जाती है, आप अपना कोई चीज जो है बांध भी सकते हो। उसके बाद अगर हम होंडा CD110 से ऊपर आते हैं तो फिर हमारे पास आ जाती है होंडा की बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मोटरसाइकिल, जिसका नाम है होंडा की शाइन, सीबी शाइन। तो सर इस गाड़ी की खास बात मुझे बताइए, इसकी सेल कैसी रहती है? सर इसका हमने लास्ट ईयर 10 ईयर सेलिब्रेशन भी किया है, ओके। सबसे पहली गाड़ी लॉन्च हुई थी होंडा में 125 सीसी में, शाइनी है, शाइनी आई थी, और सारे के सारे कस्टमर सेटिस्फाइड हैं।
बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मोटरसाइकिल है। शाइन जो है हमारे घर पे भी एक बार रह चुकी थी, जो इसका सबसे पहला वेरिएंट था, तो वो गाड़ी थी 3733 नंबर था। गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, आज भी इनफैक्ट जो है वो गाड़ी सही है, इसीलिए मैं पर्सनली वाउच कर सकता हूँ, आप इसे आ करके ले जा सकते हो। इसकी जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग है वो 4.8 है आउट ऑफ 5 स्टार्स, ठीक है। तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसका फ्यूल टैंक सर कितना है हमारा, 11 लीटर? 12 लीटर। 12 लीटर इसमें फ्यूल। और इसकी हमें एवरेज की बात करें तो कितनी मिलती है? 65 का क्लेम करती है, कस्टमर की फीडबैक है 65 दे रही है। कंपनी 70 क्लेम करती है। उसके बाद हमें साइलेंट स्टार्ट फीचर मिल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में बाकी हमें फीचर्स आपके नॉर्मल सेम ही मिलते हैं। अलॉय व्हील इसमें हमें मिल जाते हैं ब्लैक कलर के। गाड़ी देखिए देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। गाड़ी कितने कलर्स में आती है सर? ये 4 कलर में आती है। प्राइसिंग आती है इसकी 92,000 रुपीज़ है। एक मतलब कलर के हिसाब से प्राइसिंग में फर्क नहीं कोई? नहीं, कलर के हिसाब से कोई फर्क नहीं है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक ड्रम ब्रेक में आता है, एक डिस्क ब्रेक में आता है। ठीक है सर, उसका ड्रम ब्रेक वाला कितने का? 2000 का फर्क है। 2000 रुपए का फर्क है। 94 आपका डिस्क ब्रेक वाला आएगा और 92 जो है आपका ड्रम ब्रेक्स वाला आएगा, ठीक है। शाइन काफी अच्छी मोटरसाइकिल, आप लोग आकर के देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं होंडा की हॉर्नेट पे, जो कि आपकी सीबी हॉर्नेट है। अब ये जो है थोड़ा सा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि वो जो है आपका एकदम कम्यूटर सेगमेंट, ये जो है आपका थोड़ा सा मिडिल कम्यूटर प्लस थोड़ा सा अच्छी दिखने वाली मोटरसाइकिल। उसके बाद ना ये जो है ये टोटल आपकी यूथ सेंट्रिक मोटरसाइकिल हो जाती है, स्पोर्ट्स बाइक हो गई, स्पोर्ट्स बाइक आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इंजन आपको सेम होंडा सीबी 200 वाला मिल रहा है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है आपको डिजिटल मिलता है। नेकेड मोटरसाइकिल का काफ़ी फील गिला रही है। उसके बाद में ये देखो, इसमें हमें USD फ्रंट फोक्स मिल जा रहा है। हाँ जी, है ना, USD फ्रंट फोक जो है इस मोटरसाइकिल को और भी ज्यादा प्रीमियम बना रही है। उसके बाद में हमें ब्रेक मिल रहा है फ्रंट में, डिस्क ब्रेक, ABS, डुअल ABS, सिंगल ABS, डुअल ABS आता है। उसके बाद इसका फ्यूल टैंक कितने का सर? इसका 12 लीटर 12 लीटर का फ्यूल टैंक हो जाता है। उसके बाद में आपको शॉर्ट एंड आपको एग्जॉस्ट मिल जा रहा है। उसके बाद में आपको पीछे जो है ये ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं, सीट भी कंफर्टेबल है। ऑल LED है सर ये? हाँ जी, ऑल LED सिस्टम। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो सर वो कितने की है? 1.61 लाख रुपीस की आती है। एक बार इसकी आवाज भी सुन लीजिए आप लोग। तो ये है आपकी होंडा हॉर्नेट, हॉर्नेट सीबी हॉर्नेट की आवाज 2.0। ये भी काफी अच्छी आपकी नेकेड कैटेगरी की मोटरसाइकिल हो जाती है। उसके बाद अगर हम होंडा में आ जाते हैं, हम लोग होंडा की ब्लेड पर, सर इस गाड़ी के बारे में बताइए, जब हमारे पास हॉर्नेट 2.0 थी तो फिर इस गाड़ी को क्यों लॉन्च करा गया? सर ये फैमिलियर हो जाती है। अच्छा, थोड़ी सी फैमिली ओरिएंटेड हो जाती है। काफी बढ़िया लग रही है ये, देखिए इसकी एक्चुअली सिंगल सीट है, हॉर्नेट में स्प्लिट सीट थी, ये चीज है। तो ये आपका सिंगल सीट हो जाती है तो फैमिली इजीली चल लेगी। पावर भी पूरी मिलती है। पावर कितनी सर? 160 cc की है। 160 cc की हमारी मोटरसाइकिल हो जाती है। कितने वेरिएंट्स और कलर्स में आती है सर ये? सर ये दो वेरिएंट्स में आती है, एक के अंदर सिंगल डिस्क होगी आगे की विद ABS, और एक के अंदर डबल डिस्क होती है, और यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। ये जो हमारे सामने खड़ी है डुअल डिस्क वाली, ठीक है। इस कलर कितने आते हैं सर इसमें? 4 कलर ही आते हैं सर। और इसकी प्राइसिंग क्या हो जाती है सर? इसकी जो प्राइसिंग आती है वो आती है 140 हो जाती है, तो 20,000 रुपए इससे सस्ती हो जाती है, इससे अफोर्डेबल हो जाती है, ठीक है। तो ब्लेड यहाँ पर खड़ी हुई है, आप लोग आकर के यहाँ पर देख सकते हो। एक बार आगे बढ़ने से पहले सर ये मेरे को ये बताओ, यहाँ पे फाइनेंस फैसिलिटी का क्या सीन है? फाइनेंस फैसिलिटी सर एक्चुअली क्या की हमारे पास 4 बैंक अवेलेबल हैं। आप वैसे तो बेसिकली सबका सेम है, जैसे कुछ HDFC के कस्टमर्स हैं उनका अकाउंट HDFC में, तो उनको काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। एक हमारे पास पाइन लैब की फैसिलिटी भी है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। कौन सी गाड़ी? पाइन लैब मेरे पास है अवेलेबल, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। ओके ओके, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू फाइनेंस कराते हैं तो बैंकों से नियर अबाउट 50% और सस्ता पड़ जाता है। ओके, तो अगर मैं इनमें से कोई भी गाड़ी ले जाना चाहूँ तो मैं मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? सर ऐसा तो मिनिमम डाउन पेमेंट 15,000 रुपये में भी हो जाएगी, बट थोड़ा सा प्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है, ठीक है। तो 15,000 रुपये अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप देख सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो एक बार हम लोग थोड़ा सा यूनिकॉर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं। यूनिकॉर्न का क्या सर? अभी सर बुकिंग पर ही आ रही है, बुकिंग पर ही आती है, जितनी आती है ऑलरेडी बुकड ही होती है। काफी अच्छी मोटरसाइकिल है, वो काफी टाइम से चलती चली आ रही है ना। सबसे पहले जो यूनिकॉर्न आई थी वो आपकी जापानीज इंजन सीबी यूनिट आता था, 2005 में लॉन्च हुई थी, है ना, 2005 में लॉन्च हुई थी। तो उसकी जो आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस थी और इंजन पावर थी वो काफी ज्यादा अपने टाइम से अहेड थी, इसीलिए गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी थी। और एक पहल आपको एक बात बताता हूँ सर, कि जो यूनिकॉर्न है
उसका कस्टमर ने अगर यूनिकॉर्न चला रखी है तो वो कभी दूसरी गाड़ी नहीं लेता, नहीं लेता, यूनिकॉर्न ही जा करके लेता है। काफी अच्छी मोटरसाइकिल हो जाती है वो। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, ये कौन सी है सर? सर ये शाइन एसपी है, शाइन का एडवांस मॉडल है, स्पेशल एडिशन SP125 हो जाती है। SP125 भी काफी ज्यादा अच्छी और पॉपुलर आपकी मोटरसाइकिल हो रही है। इसमें पूरा डिजिटल मीटर आ रहा है, ठीक है। इसमें हमें शाइन से अलग क्या क्या मिल जाता है सर? इसको थोड़ा लुक स्पॉट मिला हुआ है। ओके, इंजन स्पेसिफिकेशन इसकी शाइन वाली है, ठीक है। इसमें कॉल्स देती है। तो जैसे इसमें ये गाड़ी जो है ये आपकी हॉर्नेट और आपकी शाइन का अमालगमेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है आपको वैसे मिल जा रहा है, उसके बाद मोड जो है आपको थ्रॉटल रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है। साइलेंट स्टार्ट है, ये भी साइलेंट स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी जो है थोड़ी सी और भी ज्यादा स्पोर्टी बना रखी है शाइन से ज्यादा। तो एलईडी लाइट्स भी हमें इसमें मिल जाती है। कितने वेरियंट्स में आती है सर ये हमारी गाड़ी? दो वेरियंट्स में आती है, ड्रम ब्रेक में एंड डिस्क ब्रेक में, ठीक है। दोनों की प्राइसिंग क्या है सर? जो ड्रम ब्रेक वाली आती है जी वो आती है 94 की, ठीक है। और जो डिस्क ब्रेक वाली आती है वो आती है 99 की, 94 और 99,000 रुपीस की, ठीक है। तो करीब 5,000 रुपए का आपका डिफरेंस होता है। डिस्क ब्रेक जो है वो हमें फ्रंट और रियर दोनों में मिलता है? नहीं सर, ओनली फ्रंट, सिर्फ फ्रंट में मिलता है। उसके अंदर हमें ट्यूबलेस टायर मिलते हैं गाड़ी में। गाड़ी कलर में कितने हैं इसके? इसके भी चार कलर आते हैं, चार कलर आते हैं। इसकी प्राइसिंग आपने 94 और 99 डिस्क में। तो अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर मालवा होंडा के कुछ ऑफर दिख रहे हैं जिसमें मुझे दिख रहा है कि 6,999 रुपए डाउन पेमेंट दे करके आप गाड़ी ले जा सकते हो। सर ये क्या क्या है बताइए इसमें? सर अगर कस्टमर 24-36 मंथ्स के लिए फाइनेंस कराता है तो बाकी नॉर्मल स्कीम से 4,000 रुपीज़ स्कीम सस्ती मिलेगी आपको, okay। ठीक है। अगर गाड़ी एक्सचेंज में भी दे रहे हैं तो जो भी उसका प्राइस लगेगा उससे 1,000 रुपये अपनी तरफ से गिफ्ट वाउचर देंगे अलग से, ठीक है। प्लस मिनिमम डाउन पेमेंट 7,000 के अंदर आपको गाड़ी मिल जाएगी। कौन सी? CD110, ओके। और एसेसरीज 2,000 की एसेसरीज भी हम फ्री गिफ्ट करेंगे। ये सर किस चीज़ का ऑफर है? ये इसका सेलिब्रेशन मना रहे हैं हम, ठीक है। CD110 का। और सर ये क्या है? जॉय क्लब एक होंडा का ही है एप्लीकेशन जिसकी कॉस्ट 412 रुपये है, वो भी हम कस्टमर को फ्री देंगे। उसके अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जस्ट कि कस्टमर का कभी भी सर्विस कहाँ जाता है तो उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 5 लाख का उसका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 3 साल के लिए हो जाएगा, ठीक है। पार्ट्स लगाता है या कभी गाड़ी लेते हैं होंडा से किसी भी तरह से कुछ भी चीज़ करता है, ठीक है, तो उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है जॉय क्लब के। इसके ऊपर बढ़िया से रिसर्च करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी मेरे हिसाब से सर ने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ये आपके ऑफर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये आपका रक्षाबंधन ऑफर या कौन सा? फेस्टिव सीजन है, फेस्टिवल सीजन चल ही रहा है, ठीक है। तो आप लोग आइए और इस फेस्टिवल सीजन का जो है वो लाभ उठाइए यहाँ पर मालवा होंडा पे। सर मेरे हिसाब से हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपको आता रहूँगा, परेशान करता रहूँगा, ये मैं ले लेता हूँ सर। थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने आपको जितनी भी हमारी होंडा के जो हमारा शोरूम है वहाँ पे आपकी जितनी भी स्कूटर्स होती हैं, जो कि सबसे फेमस तो आपकी यही खड़ी है एक्टिवा, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। उसके बाद में शाइन जो है ये काफ़ी अच्छी आपकी मोटरसाइकिल हो जाती है, आप इससे देख सकते हो। उसके अंदर यूनिकॉर्न जो है वो आपकी बहुत अच्छी मोटरसाइकिल हो जाती है। उसके अंदर अगर आप एवरेज अगर आपको सिर्फ देखना है देन यू कैन गो फॉर CD110 जिसको आप 6,999 डाउन पेमेंट देकर के ले जा सकते हो। उसके बाद अगर होंडा में ही एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगे, इंजन पावर जो है 200 cc के आसपास हो, उसके बाद में आपको रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, फीचर वाइज आपको मिले गाड़ी, और गाड़ी जो है वो अफ्रीका ये जिसमें आपको USD फ्रंट फोक्स भी मिल जाते हैं, तो बेसिकली ये जो आपकी गाड़ी है ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये गाड़ी भी आप यहाँ पर लेकर के जा सकते हो। मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट जो आपको करना पड़ेगा वो अप्रॉक्स 15-20,000 रुपये के आसपास करना पड़ेगा। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मैं जाता हूँ आप लोगों के लिए इसी तरह से और भी ज़्यादा खिलौने लेकर के आता हूँ। यू आर वॉचिंग फ्यूचर नंबर 1 ऑटोमोबाइल चैनल ऑफ इंडिया। दिस इज साम सिद्दीकी। बाय बाय। पेशेंस सलाम।